नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। अपने दिवंगत नेता रामविलास पासवान का अंतिम दर्शन करने को पटना में उमड़ी भीड़ ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे लोकप्रियता के शिखर पर रहते हुए जनता के दिलों पर भी राज करने वाले अलौली के अलमस्त बेटा थे। गंगा नदी के तट पर आज उनका दाह संस्कार होना है। स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपने जीवन काल में 11 चुनाव लड़ी और जनता ने उन्हें 9 बार जिताया। इस अंतिम पारी में वे 17वीं लोकसभा के लिए राज्यसभा से चयनित हुए। 6 प्रधानमंत्री के साथ उन्हें काम करने का भी बखूबी मौका मिला। बहुजन समाज पार्टी ने दूसरे चरण के लिए 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अन्य क्षेत्र गठबंधन के लिए छोड़ दिया है। दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है। इसके मतदान की तारीख 3 नवंबर है, लेकिन अभी भी कई दल वापो की स्थिति में है। इस बीच पूर्व विधायक प्रोफेसर सील कुमार राय ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। बहुउपयोगी मतदाता पहचान पत्र यदि कहीं खो गया है और आप चिंतित है तो आपके लिए खुशखबरी है। अब आपका कार्ड आसानी से ऑनलाइन बन सकता है, जो डुप्लीकेट के रूप में होगा। इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट की सेवा ली जा सकती है। पटना जिला के 5 विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए भी किए गए खर्च का ब्यौरा देने हेतु एक नंबर जारी किया गया है। इस जानकारी को 9470702359 पर दी जा सकती है। इसके लिए व्यय प्रवक्षक के रूप में मंजीत सिंह ने काम संभाल लिया है। पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर चुके कई वैसे प्रत्याशियों को अब स्क्रूटनी के बाद मायूसी हाथ लगी है। पहले चरण के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 11 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हो गया है, जिनमें मसौढ़ी के 6, विक्रम के 3, मोकामा के 1 और पालीगंज के 1 उम्मीदवार का नामांकन पत्र रद्द हो गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को चारा घोटाले के एक मामले में रांची हाईकोर्ट से जमानत मिली है। राजद खेमे का विश्वास इससे जगा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि बिहार चुनाव तक उनके रिहाई की संभावना कम है। अभी कोरोना संक्रमण की ओर से बढ़ती जा रही लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। इस संक्रमण काल में हो रहे चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ द्वारा कोरोना गाइडलाइंस के अनुपालन में बढ़ती गई ढिलाई से आम लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती है। आज से 8 जिलों में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता शुरू हो रही है। इसके लिए सारी तैयारियां की जा चुकी है। 115 विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई है। खास बात यह भी है कि इस परीक्षा के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को परेशानी नहीं रहे। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।